आज हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे बीच जो है पूर्वांचल समाज के वरिष्ठ लोग आज मौजूद हैं और आज चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद हैं कि राजनीति में भागीदारी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव के बाद पार्षद और मेयर का भी चुनाव गुरुग्राम और हरियाणा में होने वाला है। वैसे में गुरुग्राम एवं हरियाणा में रहने वाले प्रवासी एवं पूर्वांचल समाज के लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारा वर्षों से पिछले 20 साल 30 साल से पूर्वांचल के लोग यहाँ बड़ी संख्या में हरियाणा और गुरुग्राम के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन वो लोग महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन के समय या और भी राजनीतिक पार्टियों के रैली में या मीटिंग में सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं, पूर्वांचल समाज के लोग चाहे छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे कोई भी समारोह फंक्शन करते हैं, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधियों का मैंने पूरे मान सम्मान के साथ उनका सम्मान करते हैं। नमस्कार मन्नर, आपके चैनल को, आपके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप इतनी सुंदर, इतनी सुनहरे पल में, इतनी सुनहर वातावरण में अपनी बातों को रखा था। और मैं राजेश पटेल, अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र प्रसाद फाउंडेशन। पिछले कई वर्षों से, लगभग 25-30 सालों से मैं नजदीक से देखते आ रहा हूं कि जो भी सरकारें आई, सबने वादा किया कि हम ये आपको देंगे, हम वो आपको देंगे, लेकिन धरातल पर सब हवाई मिला, कुछ भी नहीं मिला, आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला अब तक का, बिल्कुल नजदीक से हमने देखा है। हाल के दिनों में दो तीन बातें मैं आपसे रखना चाहूंगा। यहाँ से दिल्ली से बहुत सी स्पेशल गाड़ियां चलती है बिहार के लिए, आपके पूर्वांचल के लिए, बलिया के लिए, उत्तर प्रदेश में क्रॉस करता हुआ आगे तक। तो वो हमने केंद्रीय मंत्री से लेके और छोटे लेवल तक के लोगों को हम लोग लिखित हमने अपनी बात रखी कि गाड़ी मिलनी चाहिए, चलनी चाहिए। हाल के दिनों में वहां भी हमें केवल और केवल आश्वासन ही मिला। इससे पहले छठ घाट के लिए, अस्थाई छठ घाट के लिए सभी नेताओं के, चाहे 20 साल पहले भी यहाँ पे जिसकी सरकार रही हो, 10 साल पहले भी, पिछले दशकों से हम लोग लगे हुए हैं और पूरी संस्थाएं जो जहाँ हैं दिल से लगी हुई है। और हम लोग नेताओं को इतना मान सम्मान देते हैं और बदले में केवल हमको यूज किया जाता है, यूज को काम खत्म। तो ये हमारी दर्द है, हम सबकी दर्द है कि एक स्पेशल नाम पे, स्पेशली तो हमने मांग रखी थी या छठ स्पेशल हो, दीपावली स्पेशल हो, वो नहीं मिला और केवल हवा हवाई बातें हुई है। और नेता लोग अपने राजनीति में व्यस्त रहते हैं और समय समय पे तो क्या राजनीति में भागीदारी निभाना चाहिए पूर्वांचल के लोगों को? बिल्कुल, अब हमें अब एहसास होने लगा है कि हमें, हमारे साथ छल होता है और छल होता रहेगा। अब हम सबको अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है और समय पे, समय आने पे हम अपना कोई ना कोई प्रतिनिधि खड़ा कर, बिल्कुल खड़ा करेंगे। और मैं राघवेंद्र सिंह बागी बोलिया, उत्तर प्रदेश से। तो आप तो बहुत काफी लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, तो आप क्या राजनीति में भागीदारी निभाना चाहिए आप लोगों को? हाँ, हम चाहेंगे कि कोई अच्छा चेहरा पूर्वांचल प्रवासी से आए और चुनावी मामले में अपना कदम बढ़ाए, और जो भी व्यक्ति आएगा मैं तन मन धन से उसके साथ हूँ, साथ रहूंगा। कोई अच्छा चेहरा आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो आज 300 साल से यही देखते आए, बहुत आए बहुत गए, झूठा वादा झूठे कसम। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे पूर्वांचल प्रवासी से कोई अच्छा सा चेहरा उभर के आए और उसको हम लोग सभी लोग मिलके सपोर्ट करके विजेता बनाए। मैं RBM न्यूज को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस ज्वलंत मुद्दे पे माननीय सुरेंद्र जी ने, जो कि RBM के संस्थापक भी हैं और एक संपादक भी हैं, उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को हम सभी के बीच में उठाने की कोशिश करी है। मैं पुनः अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं धीरेन्द्र शर्मा और मैं गुड़गांव में तकरीबन 18 साल से यहाँ निवास कर रहा हूँ, और गुड़गांव हरियाणा की धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान और प्यार स्नेह दिया हुआ है। बट विगत दिनों में कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिसपे
आप जैसे चैनल और अन्य चैनलों ने विशेष ध्यान दिया है, उसमें से प्रमुख मुद्दा हो जाता है प्रवासियों का मुद्दा। प्रवासी गुड़गांव की धरती पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, राज्यों से, स्थानों से आके रहते हैं। जैसे कि बुंदेलखंड के लोग यहाँ बहुतायत में हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के लोग बहुतायत में हैं, यहाँ हम पूर्वांचल के लोग भी बहुतायत में रह रहे हैं और यहाँ पश्चिमांचल से भी बहुत सारे लोग हैं। तो चूंकि माननीय राजनीति में आने वाले सभी श्रेष्ठ जन ये तो कहते हैं कि ये वाला काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट इन सभी श्रेष्ठ जनों से मेरी एक विनती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तरफ भी हम आगे आए और हम पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तराखंड या राजस्थान, अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोगों को भी उनका एक सामूहिक रूप से जो है उनका चयन किया जाए और गुड़गांव की धरती के विकास के लिए उनकी जो विशेष मांगे हैं उन पे केवल वही लोग जान पा रहे होते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि जिसके ना फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो हमको हमारा दर्द पता होता है कि मेरे किस बुंदेलखंडी भाई को जल की समस्या वहां थी, यहाँ समुचित रूप से मिल रहा है तो वो सुखी है, लेकिन यहाँ यातायात का जो साधन है, मध्य प्रदेश में जो लोग जा रहे हैं उनको राजीव नगर में एक मंडी का जो स्थान है उसमें ही उनकी बसें लगी होती हैं प्राइवेट, और वो बड़ा यातनाओं को झेलते हुए अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ परिवहन मंत्री या परिवहन मंत्रालय में भी पूर्वांचल का कुछ एक डिस्कशन किया जाए ताकि गुड़गांव की धरती को, जो हम लोग अपना मान के यहाँ दिन रात एक कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ी सी एक सुविधा मिल जाए। और जैसा कि अभी हमारे शीर्ष राजेश जी और राघवेंद्र जी ने बताया कि भाई यहाँ की धरती में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है और हम यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत योगदान यहाँ की लोकसभा, विधानसभा, पार्षद की सीटें, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, अन्य अन्य सीटें हैं उसमें भी जो है ना केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों की भी कुछ भागीदारी करें ताकि समाज का उत्थान हो सके। मैं रणधीर राय, समाज सेवी, और सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं जो रेड़ी पट्टी लगाते हैं उनका स्थाई नहीं है, प्रशासन, नगर निगम हो चाहे यहाँ की पुलिस हो, उनको भगाती रहती है, वो हमारे पास भी जाते रहते हैं, बाकी जो सामाजिक संस्था है उनके पास भी जाती रहती है, अब कहीं ना कहीं समझा निकलता है, मगर उनका परमानेंट होना चाहिए। मंडी मीना बाजार हो गया, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे वहाँ भी समस्या है, उस सरकार को, नगर निगम सोच करके उस पर विचार करके वहाँ जो प्रवासी मजदूर है उनको भी व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए। और छठ पूजा के लिए पिछले, मैं 30 साल से यहाँ रहता हूँ, मेरे फादर भी थे यहाँ पे, मैं छठ घाट की छुट्टी की घोषणा हुई मगर आज तक कोई भी सरकार आई उसको अमल नहीं हुआ, तो अमल होनी चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं अगर नहीं हो रही है तो प्रवासियों को कहीं ना कहीं अपनी सरकार में भागीदारी जरूरी है। अगर राजनीतिक तौर पर हम भागीदारी अपना हिस्सा मांगते हैं और हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी आगे। मैं अमित कुमार, समाज सेवक, मैं 2003 से गुरुग्राम में रह रहा हूँ भाई। 2003 से लेके आश्वासन नहीं मिल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। बस हमारे पूर्वांचल के लोग रह रहे, प्रवासी लोग जितने रह रहे हैं, हमारे लिए कोई जगह नहीं है जहाँ हम कोई अपना फंक्शन कर सके, संस्कृत प्रोग्राम वगैरह करते हैं, इसके लिए तो सरकार से निवेदन है एक ऐसी जगह दी है जहाँ हम प्रवासियों का कोई भी, चाहे राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से हो, एक प्रवासियों के लिए वो होना चाहिए ओपन थिएटर जिसमें अपना प्रोग्राम कर सके। नहीं, राजनीति भागीदारी के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा भी प्रतिनिधि खड़ा होना चाहिए चुनाव में? भाई होना चाहिए, जो भी चेहरा आएगा हम उसके साथ हैं, हम क्या सारे प्रवासी उसके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग दर्द महसूस कर रहे हो कि भाई हमारी बात सुनी नहीं जाती। भाई साहब हमको तो सिर्फ यूज किया जाता है इलेक्शन के टाइम, उसके बाद फिर जैसे दूध से मक्खी बाहर निकाल फेंक दो उस तरह होता है। तो आप लोग विचार कर रहे हैं कि भाई कोई भी चुनाव हम प्रतिनिधि खड़ा करेंगे? भाई डेली मीटिंग चल रही है, हमारे राय साहब जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब जो डेली डोर टू डोर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अपना पार्षद भी करेंगे, लोकसभा में भी आएंगे, हर हर एक में अपने को एक एक सीट चाहिए।